आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। अभी ये मेरा भाई मेरे को 2 साल के बाद F5 लोड बैलेंसर की सीरीज समझाएगा। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में। और F5 लोड बैलेंसर को 2 साल के बाद आज मैं एक नया वीडियो लेक्चर अपलोड करते हुए आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ, जिसको गाली देनी दे दो भाई। ओके, सो फाइनली मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ F5 लोड बैलेंसर की लैब पे। पहले क्या प्रॉब्लम थी कि मैंने क्यों 2 साल पहले ये लैब अपलोड नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लैपटॉप की जो रैम थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर बना के अपलोड कर पाऊँ। और फिर अभी मैंने रिसेंटली न्यू लैपटॉप परचेज़ किया और उसके बाद मैंने लैब सेटअप की, टेस्टिंग की और फाइनली फिर मेरी लैब सक्सेस हो गई थी। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मेरी लैपटॉप की रैम आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है। तो आप देख सकते हैं ये रही मेरी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन। अभी जो मेरी जो रैम है वो 16 GB है और बाकी जो हार्ड डिस्क है वो मेरा SSD है अभी, तो यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। इसमें आपको हाई प्रोसेसिंग स्पीड मिलती है, हार्ड डिस्क ड्राइव पे यानी SSD पे आपको स्लो स्पीड मिलती है। ठीक है, तो ये तो PC के बारे में बेसिक जानकारी है, तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा बेहतर पता होगी। ठीक है, तो ये रही रैम। इस चक्कर से ही ये सारा मामला रुका हुआ था, जिन लोगों को लग रहा था कि यार क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, तो ये था रीज़न। तो आज मेरे पास 16 GB रैम है और मैं वही पुरानी लैब को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये रही लैब टॉपोलॉजी आप लोगों के सामने में, जिसपे कि हमने आज की अपनी इस लैब को परफॉर्म करना है F5 लोड बैलेंसर की। बेसिक लोड बैलेंसिंग आज हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे दूँ इस लैब टॉपोलॉजी के बारे में, ताकि जब आप वीडियो आगे देखें तो आप लोगों को ये लैब क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये मेरा मैनेजमेंट PC है, यानी मैनेजमेंट PC यानी मेरा अपना खुद का ये फिजिकल PC। यहाँ पे VMware का कोई रोल नहीं। अब VMware का रोल आएगा आपका ये बाउंड्री लाइन से, जितना इधर का पार्ट है यानी राइट हैंड साइड का जितना पार्ट है ये सारा अब आपका VMware पे, इसकी आप लैब परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, F5 की iOS इमेज डाउनलोड करना है, लेटेस्ट आप अभी 13 point something वर्जन चल रहा है F5 का, तो आप उसकी iOS फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितना लेटेस्ट आप डाउनलोड करेंगे उतना आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहेंगे। तो F5 की आप iOS इमेज डाउनलोड कर लें। कैसे करना है ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने मैनेजमेंट PC को जो है VMnet 2 के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम उसके बाद विंडोज 2019 सर्वर डाउनलोड करेंगे, जैसा कि मैंने विंडोज 2019 किया। अगर आपके पास विंडोज 2016 है, 2008 है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फिलहाल विंडोज 2019 जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि ये फ्रीवेयर में आपको मिल जाता है 180 डेज के लिए। इवेल्यूएशन लाइसेंस आपको विंडोज की या माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद मैंने इसकी iOS इमेज को जो है रन किया अपने VMware पे। रन करने के बाद जब ये कंप्लीट सेटअप तैयार हो गया तो मैंने इसमें IIS की सर्विस को इनेबल कर दिया। IIS की सर्विस होती है वेब पेज के लिए, यानी अगर आपको अगर आप IIS की सर्विस इनेबल करते हैं तो आपको पोर्ट 80 पर एक्सेस मिल जाता है। यानी अगर आप इस IP पे हिट करेंगे 192.168.0.1 पे, तो आप लोगों के सामने में एक वेब पेज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये लैब की टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे IIS की सर्विस को रन किया। और ये मैंने किस पे रन किया, दोनों सर्वर पे रन किया, यानी इसको हम अगर नेम दे दें टेस्ट सर्वर 1 और इसको मैंने नेम दे दिया टेस्ट सर्वर 2, इसको 2 कर देता हूँ। तो ये दोनों पे ही मैंने IIS की सर्विस को रन किया हुआ है। तो जब भी आप हिट करेंगे इस IP पे 192.168.0.1 पे, तो आपके सामने में आ जाएगा वेलकम टू वेब पेज 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर हिट जाता है तो आएगा लिखा हुआ वेलकम टू वेब पेज 2, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी हमारी लोड बैलेंसिंग जो है वो हो रही। और इसकी इस टेस्टिंग के लिए मैंने क्या करा, एक और विंडोज 2019, ये भी विंडोज 2019 है, टेस्टिंग के लिए है ये सारा कुछ। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, इंस्टॉल किया iOS। इसमें मैंने IIS की सर्विस इनेबल नहीं की, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल PC है जहाँ से कि हम जो है टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से हम हिट करेंगे वर्चुअल IP को F5 लोड बैलेंसर की, और ये वर्चुअल IP फिर लोड बैलेंस करेगा 1-to-1 आइदर हियर एंड हियर। ठीक है, तो जैसे ही न्यू कनेक्शन बनेगा वो पहले इधर ट्रांसफर करेगा, दूसरा न्यू कनेक्शन बनेगा इधर ट्रांसफर करेगा, यानी इस तरीके से लोड बैलेंसिंग होगी। लोड बैलेंसिंग का जो मेथड हम यूज करेंगे वो होगा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन मतलब 1-to-1, पहले कनेक्शन इधर जाएगा फिर राइट हैंड साइड जाएगा फिर लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड। यानी अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो पहले आपका कनेक्शन वेब सर्वर 1 के पास जाएगा, दूसरा कनेक्शन आपका वेब सर्वर 2 के पास जाएगा। इस तरीके से राउंड रॉबिन यहाँ पे परफॉर्म होगी। अब बात कर लेते हैं कि ये किससे कनेक्टेड रहेगा। तो आपके जो दो टेस्ट सर्वर हमने बनाए ये VMnet 8 से कनेक्ट रहेंगे, और जो एक्सटर्नल PC है हमारा ये कनेक्ट रहेगा VMnet 1 से। ओके,
अब बात करते हैं कि हम क्या आईपी अपने F5 लोड बैलेंसर को देंगे, क्योंकि हम जहाँ पे कनेक्टिविटी करते हैं वहाँ पे हमें ऑब्वियसली बात है आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि बिना आईपी एड्रेस के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ऊपर से हम L3 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी हमारा एक्सटर्नल आईपी डिफरेंट आईपी होगा, और जो हमारा वेब सर्वर का आईपी होगा वो डिफरेंट होगा, और जो वर्चुअल आईपी होगा वो डिफरेंट होगा। यानी जब डिफरेंट आईपी के बीच में हमने कम्युनिकेशन करना होता है तो हमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, प्लस हमें L3 डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस तो हमने कन्फिगर करना ही है, और जो L3 यानी राउटिंग की बात आएगी तो वो हमारा F5 लोड बैलेंसर खुद कर लेगा, क्योंकि F5 लोड बैलेंसर पर मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे फीचर होते हैं हमारे। आइदर आप LTM के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं, एज ए फायरवॉल यूज कर सकते हैं, एज ए राउटर यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इस पे। ठीक है, फिलहाल हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, यानी वर्चुअल आईपी हम क्या देंगे, 172.168.0.200, और इसको हम एक्सटर्नल आईपी क्या देंगे, 170। ये एक्सटर्नल आईपी और जो इंटरनल आईपी आप देख रहे हैं, ये इसके हमारे लोड बैलेंसर के फिजिकल आईपी हैं। ठीक है, इनका हमारे लोड बैलेंसिंग से अभी कोई लेना देना नहीं है, ये आपको इंटरफेस को असाइन करना है, यानी आपने ये इंटरनल आईपी इस इंटरफेस को दे दिया, एक्सटर्नल आईपी इस इंटरफेस को दे दिया। ठीक है, अब आप लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो हमेशा लोड बैलेंसिंग के लिए आपको वर्चुअल आईपी की जरूरत पड़ेगी, तो वर्चुअल आईपी आप देंगे। अब वर्चुअल आईपी आप कौन सा देंगे, आप वर्चुअल आईपी वो आईपी देंगे जो कि आपका इंटरनेट पे अलाउ होगा, या जिस तरीके से आप लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं इंटरनेट पे बैठ के मैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं इंटरनेट फेसिंग आईपी दूंगा, यानी पब्लिक आईपी दूंगा, एक तरीके से कहा जाए तो ये पब्लिक आईपी है। अगर आप बात करें रियल सिनेरियो की, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे वीआईपी जो होगा आपका, अगर आपने दो तीन वेब सर्वर क्रिएट कर रखे हैं अपने कंपनी में और वो आपने पब्लिक के लिए अलाउ कर रखे हैं, कि आप चाहते हैं कि पब्लिक जो है हमारे वेब सर्वर पर आके हमारी वेबसाइट से जानकारी ले, या जो भी जिस पर्पज के लिए भी आपने किया है, तो वहां पे आपको एक्सटर्नल आईपी हमेशा पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। और ये पब्लिक आईपी आप जो भी देंगे, इसके बिहाफ पे जो भी आपका डोमेन नेम सर्वर या FQDN होगा वो आप रजिस्टर करेंगे। ये बड़ी बात है थोड़ी सी, तो इसको हम बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे, राइट। फिलहाल के लिए लोग लैब टोपोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी लैब में आगे, और क्योंकि मैंने सारी लैब पे जो भी चीजें थी वो मैंने डिस्कस कर ली, अगर कुछ छूट गया है या आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया है क्लियरली, तो वो अभी हम जब लैब करेंगे तो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी लैब में आगे। लैब में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने पहले भी क्लियर की हुई है, लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों को जस्ट रिपीट कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जो डिफॉल्ट रूट अकाउंट आपके सामने में आएगा वो उसका यूजर नेम होता है रूट, एंड पासवर्ड होगा डिफॉल्ट। ठीक है, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे चेंज करते हैं, वो जब आप GUI से कनेक्ट होंगे F5 लोड बैलेंसर पे, तो वहां पे जब आप लाइसेंस को वहां पे इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है रूट और एडमिन अकाउंट को चेंज करने का। जो रूट होता है वो आपके CLI पे लॉगिन करने के लिए यूज होता है, और जो एडमिन अकाउंट होता है वो यूज होता है आपके F5 लोड बैलेंसर को GUI की हेल्प से एक्सेस करने के लिए, राइट। उसके बाद जब आप CLI पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको TMSH मोड पे जाना होता है, यानी आपको TMSH टाइप करना पड़ेगा, तब आप एक तरीके से कहें तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कि आप चेंजेस कर सकते हैं आईपी एड्रेस, राउट वगैरह, जो भी कुछ चेंजेस करना है आप TMSH के अंदर ही करेंगे। ओके, तो अगर आपको मॉडिफाई करना है मैनेजमेंट आईपी, तो उससे पहले आपको DHCP डिसेबल करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका DHCP क्या होता है, इनेबल होता है, और अगर आप मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे अपने मैनेजमेंट आईपी को तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा पहले आप DHCP को डिसेबल करो। तो DHCP को डिसेबल करने के लिए ये कमांड रहती है जो कि मैंने आप लोगों के सामने में लिखी हुई, आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगर आपको आईपी चेंज करनी है तो आप ये कमांड रही, इसके थ्रू आप आईपी चेंज कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने आईपी चेंज 192.168.1.245 किया हुआ है, जो कि हमारी लैब टोपोलॉजी का एक पार्ट है। ओके, और उसके बाद हमने अगर कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, यानी आपने CLI पे कॉन्फ़िगरेशन की और उसके बाद आपने चेंजेस किए, और आप उसके बाद चाहते हैं कि आप उसको सेव करें परमानेंटली, तो आप सेव स्लैश सिस्टम स्लैश कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके पास कमांड है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप नोट डाउन कर लें आप अगर लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो, एंड देन आप लैब इजिली आगे फिर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी लैब में आगे। अगर आप इस लैब की टॉपोलॉजी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये URL रहा, मैंने अपनी वेबसाइट पे ये URL जो है जो लैब है इसको मैंने अपलोड कर दिया है। आप सिंपली यहाँ पर जाके कंट्रोल V करें, एंटर करें, तो ये आप लोगों के सामने में लैब जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है,
तो ये रही हमारी वेबसाइट और यहाँ पे आपको ये लैब मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियोस डाउनलोड करने हैं या आईओएस इमेज डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, तो ये आईओएस इमेज डाउनलोड करने का लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये 12.00 समथिंग के लिए है, लेकिन आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस पेज पे जहाँ पे कि आप आईओएस इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको F5 की कंप्लीट वीडियोस ट्रेनिंग देखनी है तो ये लिंक रहा, ये अपने दोस्तों में अगर आप शेयर करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर नहीं करते हैं तो भी आपकी मेहरबानी कि आप यहाँ तक आए, ठीक है। और कुछ नहीं, अब सीधे लैब पे चलता हूँ मैं। और ये रही VMware की हमारी लैब, और यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको बाहर एग्जिट करना है तो QUIT यानी क्विट करना पड़ता है, जिससे आप बाहर आ जाते हैं। अब ऑलरेडी मैं बाहर हूँ, यानी अगर मैं TMSH पे जाऊँ तो आप देख सकते हो TMOS करके ये इनका सेल प्रोफाइल आ जाता है आप लोगों के पास में। यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने जरूरी चेंजेस कर दिए हैं, जो आईपी एड्रेस मेरे को असाइन करना था जिस तरीके से मैंने आप लोगों को नोटपैड पे दिखाया था, वो उसके तरीके से मैंने यहाँ पर आईपी असाइन कर लिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस आईपी को अगर मैं कॉपी करूँ यहाँ पे एंड अपने पुटी पे ओपन करूँ, तो थोड़ा सा मेरे को जो है ईजी हो जाता है यहाँ पे मैनेज करने के लिए। और इसका मैंने बोला था CLI के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रूट अकाउंट। तो रूट एंड देन पासवर्ड, मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। मैं अपना पासवर्ड आप लोगों को नहीं बताने वाला, ठीक है, तो गलती से भी मत सोचना कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर ये नहीं एक्सेप्ट किया तो वाओ, डन आई थिंक, यप। देखो जी अब काम कर रहा है, राइट। अगर मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को जो है अच्छा दिखाई दे। और वो फॉन्ट कहाँ से बड़ा होता है, एफरेंस से जाते हैं, और देन हमारे पास फॉन्ट, यस। एंड थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो चलेगा क्योंकि देख सकते हैं आप कितने सर्वर आपके रन हो रहे हैं, राइट। और अगर मैं सीपी यूटिलाइजेशन अगर आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पे कितना जा रहा है, तो आप देख सकते हैं ये रहा 13.8 GB जो मेमोरी है वो मेरी अभी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, आगे और होगी। तो ये आ गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आपको अगर मॉडिफाई करना है तो आप इस तरीके से कॉपी एंड पेस्ट करें। और देखो ये ऑलरेडी डिसेबल है तो आएगा नहीं। एनीवे इसको TMSH मोड में जाके मेरे को चेंज करना पड़ेगा। TMSH में गया मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे कंट्रोल वी एंटर, ये बोलेगा ऑलरेडी आपने आईपी असाइन कर रखा है, द रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट आईपी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, बाकी आईपी एड्रेस मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। अगर आप इफ कॉन्फिग कमांड यहाँ पर टाइप करें तो आप देख सकते हैं। ओह सॉरी, इसके लिए मेरे को बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ कॉन्फिग, ये रहा जी इफ कॉन्फिग। तो अभी जो मेरा ETH 0 है इसको आईपी क्या मिला हुआ है, इसको कोई भी आईपी नहीं मिला हुआ है ETH 0 को। हमारे मैनेजमेंट इंटरफेस को मैंने आईपी जरूर असाइन कर लिया है, वो रहा ये, ठीक है। बाकी मैंने इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट नहीं किया हुआ है। अब हम उसको हम 1-to-1 क्रिएट करेंगे, ओके ओके गाइस। तो और पैरेलली थोड़ा सा मैं इनकी डिटेल दे दूँ आपको, तो ये रहा आपका वेब सर्वर 2, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं IIS की सर्विस मैंने रन की हुई है। और इसका अगर हम आईपी देखें क्या है आईपी, हमें इसे नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आईपी है कॉन्फिग 192.168.0.2, मैंने इसको असाइन किया हुआ है। और इसका जो डिफॉल्ट गेटवे मैंने दिया है 192.168.0.45। अब 0.45 क्या है आपका, अगर आप लैब टोपोलॉजी में देखें 192.168.0.245 जो है आपका इंटरनल आईपी है, यानी F5 का इंटरनल आईपी। अगर इन पीसी इन सर्वर को अगर आउटसाइड कम्युनिकेट करना है यानी रिवर्स राउट अगर डालना हो, तो हम इसको किस तरफ डालेंगे, 192.168.0.245, क्योंकि यही दरवाजा है इन दो सर्वर को बाहर तक ट्रैफिक ले जाने का। समझ में आ गई बात, यानी ये घर है यहाँ पे इनका, अगर इनको आउटसाइड जाना है तो वो इस आईपी के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया हमें जो है इस आईपी के पास जाना है। तो किसको बताएंगे, इस आईपी को। तो ये बेसिक राउटिंग और स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होगा, राइट। अब अगर हम बात करें IIS सर्विस की, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वेब पेज सेल्फ टेलनेट करके। यहाँ पे हम कहते हैं ना कि हम सेल्फ टेलनेट करके एक बार खुद को चेक कर लें कि जो सर्विस हम दूसरों को ऑफर कर रहे हैं क्या वो खुद हम खुद पे अप्लाई हम पे हो रही है या नहीं हो रही है। आई मीन वो सर्विस क्या मैं खुद पे रन कर पा रहा हूँ या नहीं। तो आप लोगों को दिखा दूँ 192.168.0.2 इसका आईपी है, आप एंटर करें तो आप लोगों के सामने में पेज आएगा, देखो वेलकम टू वेब सर्वर 2। सिमिलर काम मैंने जो है वेब सर्वर 1 पे किया हुआ है, वहाँ पे भी मैंने आईपी असाइन किया हुआ है 192.168.0. रेंज का। और वहाँ पे अगर आप हिट करेंगे तो आपके सामने में लिखा आएगा वेलकम टू वेब सर्वर 1, राइट। अब हमें क्या करना है,
अगर एक्सटर्नल पीसी की बात करें तो ये रहा एक्सटर्नल पीसी, और यहाँ से हमने टेस्टिंग परफॉर्म करना है, यानी हमने सिंपली ब्राउजर ओपन करना है और अपने वर्चुअल आईपी को F5 के उसको हिट करना है और देखना है कि क्या वो लोड बैलेंस करता है हमारे दो वेब सर्वर के बीच में या नहीं। ठीक है, तो ये सारा काम अभी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपना GUI ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि मैं कनेक्टिविटी यहाँ से चेक कर चुका हूँ, मेरी कनेक्टिविटी बनी हुई है, आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे पिंग करता हूँ मैं 192.168.1.245, जो कि हमारा मैनेजमेंट का आईपी F5 के, उसको मैंने पिंग किया। आई थिंक मैंने आईपी गलत नोट डाउन कर लिया यहाँ पे, 192.168। तो आप लोगों के सामने में रिस्पॉन्स है, पहला पैकेट जो ड्रॉप हुआ है वो आई थिंक कुछ राउट का पंगा फंसा होगा, क्योंकि मेरा वाईफाई भी कनेक्ट है। तो एनीवे, बट एनी हाउ जो है अभी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहला पैकेट जो है आर्प के लिए ड्रॉप हुआ है, लेकिन आर्प के लिए जब भी पैकेट ड्रॉप होता है वहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, ना कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। जब भी आप लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन आए, एरर आए, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, दैट मीन्स कि आपके राउट में इश्यू है, राइट। तो फिलहाल के लिए हमारा जो है रिप्लाई आ रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सेम आईपी को अब हम क्या करते हैं GUI के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ और GUI पे हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, और एंटर, और ये रहा आपके पास पेज। यहाँ पे अब हम यूजर नेम यूज करेंगे एडमिन, एंड पासवर्ड में आप लोगों को ये भी नहीं बताने वाला। ठीक है, तो आप जिससे चाहे शिकायत करनी हो आप कर लें, मैं नहीं बताने वाला। तो ये रहा आप लोगों के सामने में वेब पेज। अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली जाना है नेटवर्क पे। नेटवर्क पे हमने इंटरफेस चेक करने हैं। अभी हमारे इंटरफेस देखें हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास जो है दो इंटरफेस आ रहे हैं। यानी अगर आप अपने VMware पे जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने इंटरफेस को वेरीफाई करना है। यानी आपको सेटिंग पे जाना है VMware की, वहाँ पे जाके आपको इंटरफेस चेक करना है। यानी हमारे लैब टॉपोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे इंटरफेस कन्फिगर होने चाहिए। तो अगर मैं लैब टॉपोलॉजी को एक बार ओपन करूँ यहाँ पे सिंपली, तो अगर आप देखें इससे वेरीफाई कर लें यहाँ पे क्विकली, हम जल्दी वेरीफाई कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा दूँ। अगर आप लोगों से ना हो पाए इसीलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आप यहाँ पे इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो मेरा फिजिकल मशीन है, यानी मेरा लैपटॉप है, उसका आईपी 192.168.1.11 है, वो आपका कनेक्टेड है VMnet 2 से। तो ये रहा VMnet 2, यानी जिससे मेरा मैनेजमेंट आईपी कनेक्टेड है। तो इसीलिए अगर आपको इसको वेरीफाई करना है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि क्या ये VMnet एडेप्टर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वाकई यही VMnet 2 के साथ कनेक्टेड है और इसी पे ही हमने मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर किया है, इस चीज़ को वेरीफाई करना ज़रूरी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एडवांस में आएंगे, यहाँ पे आप मैक एड्रेस वेरीफाई करें। आप देखें नेटवर्क एडेप्टर जिसको कि हमने VMnet 2 पे असाइन किया हुआ है, उसका मैक आईडी है A56D लास्ट में, यानी मैक एड्रेस ये रहा। इसको आप सिंपली कॉपी कर लें। ठीक है, अब आप क्या करें, CLI पे आए जहाँ पे आपने मैनेजमेंट इंटरफेस को देखा था। अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस के मैक एड्रेस को अगर आप वेरीफाई करें, तो क्या ये मैक एड्रेस और आपका ये मैक एड्रेस सिमिलर है? कहाँ गया ये, इसको ओपन अब मैं करता हूँ, इसको स्मॉल कर देता हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को वेरीफाई कराने के लिए। ये देखें, वेरीफाई कर लें, जो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है जिसको आपने आईपी 192.168.1.245 असाइन किया हुआ है, उसका मैक एड्रेस आ रहा है A56D, और सेम आपका मैक एड्रेस आ रहा है A56D, वो किस इंटरफेस को आ रहा है, आपके वर्चुअल एडेप्टर यानी VMnet 2 के लिए। ठीक है, तो दैट मींस कि हमारी कनेक्टिविटी एकदम प्रॉपर है, यानी आपके वर्चुअल मशीन से ये केबल निकल के, यानी VMnet 2 जस्ट लाइक ए केबल अभी यहाँ पे काम कर रही है, वो केबल निकल के कहाँ गई है, आपके मैनेजमेंट इंटरफेस पे, किसके, F5 के। तो इसीलिए इस तरीके से आप वेरीफाई कर लें कि आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा मैक एड्रेस यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस का, यानी ये मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है, इसको मैंने आईपी असाइन किया है, मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी डिफरेंट, यानी मैक एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट निकलता और यहाँ पे VMnet 2 का डिफरेंट निकलता, दैट मीन्स मेरी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। यानी मेरा वायर VMnet का कहीं और जा रहा है और मेरा F5 का कहीं और ही, मतलब उसको असाइन कर रखा है, राइट। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में हम बाकियों के लिए भी ये चीज़ वेरीफाई करेंगे। तो हम अपनी लैब में फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं वापस से GUI के पास। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी खुद की लैब परफॉर्म करोगे तो ये बहुत सारे बग्स आप लोगों के सामने में आएंगे, तो आप थक हार के जो है बाद में हार मान जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हार माने, इसीलिए मैं बेसिक से लेके एकदम चल रहा हूँ आप लोगों को कि कहाँ पे मैंने क्या परफॉर्म किया हुआ है, राइट। तो ये रही लैब, अब ये रहा आप लोगों के सामने में सारी इन्फॉर्मेशन। अब हमने 1-to-1 चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, VLAN के पास चलेंगे।
ठीक है, तो वीलैन के पास हम चलते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले वीलैन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट पे आपको आना है और क्रिएट करना है। क्रिएट पे आने के बाद आप यहाँ पे नेम दे दें, पहला आप इंटरनल वीलैन बना लें, इंटरनल। तो हम इसको इंटरनल नेम दे देते हैं, जो कि हमारे वेब सर्वर, जहाँ पे हमारे लोकल वेब सर्वर है उस तरफ का इंटरफेस है, यानी इंटरनल मतलब ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस इंटरनल, राइट। ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो सिंपल है, तो आ गए हम वापस, इंटरनल पे जाते हैं और यहाँ पे अब हमें टैगिंग करनी है। तो टैगिंग हम कर देते हैं इंटरनल के लिए, और 1.1 आ रहा है इंटरफेस करनी है, ठीक है। पहले हम इसको अनटैग करेंगे। अभी अनटैग क्यों करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो टैग होता है दोस्तों हमारा, वो हम उस कंडीशन में करते हैं जबकि हमारे F5 लोड बैलेंसर से स्विच कनेक्टेड रहता है। यानी अगर आपके कंपनी इन्वायरमेंट में आपका F5 लोड बैलेंसर है और उसके नीचे जो है ऑब्वियसली बात है सर्वर फार्म स्विच होंगे, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे आपको टैग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी जो कनेक्टिविटी है वो वीएम नेट के थ्रू है, यानी डायरेक्टली वीएम वेयर, यानी डायरेक्टली F5 लोड बैलेंसर से केबल निकल के हमारे सर्वर पे कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम टैग की जगह अनटैग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, टैग का मतलब होता है वीलैन, अनटैग का मतलब होता है एक्सेस पोर्ट। समझ में आ गई बात? ये दो पोर्ट आपने सीसीएन में पढ़े होंगे, ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट। तो यहाँ पे अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेस पोर्ट, क्योंकि हम किसी स्विच से कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम इसको अनटैग करेंगे, ऐड करेंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने 1.1 को ही क्यों इंटरनल इंटरफेस असाइन करा, तो मैं वेरीफाई करूंगा अभी, जस्ट एक बार मैं असाइन कर लूँ यहाँ पे, फिर मैं वेरीफाई करके देखूंगा कि 1.1 यानी जो मैंने इंटरनल जो वीलैन बनाया है वो क्या करेक्ट है या नहीं, ठीक है। फिलहाल मैंने इंटरनल बनाया, 1.1 को मैंने एक्सेस पोर्ट टैग कर दिया, यानी ये वीलैन में टैग कर रहा हूँ इंटरनल वाली, और बाकी सारे ऑप्शन आपको रहने दें। फिनिश करते हैं, और जैसे ये फिनिश हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, सेल्फ आईपी पे आना है। यानी सेल्फ आईपी मतलब अब आप अपने F5 लोड बैलेंसर को आईपी असाइन करने जा रहे हैं कि आपका, अच्छा ये इंटरनल आईपी है या एक्सटर्नल आईपी है। तो इसके लिए हम सेल्फ आईपी पे आएंगे, क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद चेक करेंगे कि हम ने जो कॉन्फ़िगरेशन की है क्या वो करेक्ट इंटरफेस पे की है या गलत इंटरफेस पे। तो यहाँ पे अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ आईपी बना रहा हूँ। तो सेल्फ आईपी मैं किसका बना रहा हूँ, इंटरनल आईपी का। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंटरनल नोट डाउन कर लेता हूँ, इंटरनल आईपी, इंटरनल सेल्फ आईपी डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आईपी एड्रेस हम क्या देंगे, अपने लैब टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा इंटरनल आईपी है 192.168.0.245, यानी 192.168.0.245। नेट मास्क हमारा /24 का है, और हमने बोला है कि ये जो वीलैन है ये आपके सामने में अभी दो ऑप्शन ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये इंटरनल इसलिए यहाँ पे आया है क्योंकि हमने वीलैन क्रिएट किया है जस्ट अभी। अभी हम एक्सटर्नल वाला भी क्रिएट करेंगे, फिलहाल हम इंटरनल कर लेते हैं पहले। तो इसीलिए हम यहाँ पे वीलैन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, इंटरनल, राइट। पोर्ट लॉकडाउन अलाउ नन, नन का मतलब है कि जो पोर्ट आप वहां पे अलाउ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 80 बोला, तो ये केवल 80 को ही लिसन करेगा, बाकी पोर्ट को ये डायरेक्टली ड्रॉप डाउन कर देगा। तो फिलहाल हम लेफ्ट अपनी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो अलाउ ऑल कर देते हैं। ओके, ट्रैफिक ग्रुप यहाँ पे दो मिलेंगे आपको, एक ट्रैफिक ग्रुप फ्लोटिंग मिलेगा, एक नॉन फ्लोटिंग मिलेगा। फ्लोटिंग की जरूरत आपको, फ्लोटिंग की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपके पास दो F5 लोड बैलेंसर होंगे, वो दोनों HA में होंगे, आपके नीचे वाला जो डिवाइस होगा यानी आपके F5 से डायरेक्टली स्विच कनेक्टेड होगा, तो वहां पे फ्लोटिंग आईपी की जरूरत पड़ती है हमें राउटिंग के लिए। तो फिलहाल हमें फ्लोटिंग की जरूरत नहीं है, हम इसको नॉन फ्लोटिंग ही कर देते हैं यहाँ पे। ट्रैफिक ग्रुप लोकल ओनली, नॉन फ्लोटिंग, हम सिंपल एक लैब परफॉर्म करें, इसको हम फिनिश कर देते हैं। फिलहाल ये नेम जो है इनकरेक्ट बता रहा है, आई थिंक मुझे यहाँ पे जो है हाइफन यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, एटलीस्ट मेरे को इनके बीच में स्पेस नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो आईपी मैं कर देता हूँ, और इसके बीच में और कोई स्पेस नहीं है, तो आप फिनिश करते हैं। यप, तो ये फिनिश हो गया। तो यानी आपको नेम का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। तो फिलहाल मैंने ये कॉन्फ़िगर कर लिया, अब मैं अगर इस पे जाऊँ इंटरनल आईपी पे, तो क्या डिटेल आती है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल आ गई है। अब ये देख लीजिएगा कि ये आपके CLI पे भी रिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो मैं CLI पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग टाइप करें, सॉरी इफ कॉन्फ़िग टाइप करें, और यहाँ पे आपको दिखेगा इंटरनल, जैसे ये मैनेजमेंट आ रहा है राइट, ऐसे ही आपको इंटरनल इंटरफेस भी दिखाई देगा। ये रहा इंटरनल, अब इसका आप मैक एड्रेस वेरीफाई कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है 192.168.0.245, एंड उसके बाद इसको जो मैक एड्रेस असाइन हुआ है वो हुआ है A577। अब हम वेरीफाई करें कि हमारी लैब टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग जो
इंटरनल इंटरफेस है वो VMnet 8 के साथ हमारा कनेक्ट होना चाहिए। तो VMnet 8 पे क्या सेम मैक एड्रेस हमें मिलता है या नहीं? अगर डिफरेंट मिलेगा तो फिर हमें ट्रबल शूटिंग करनी होगी और करेक्ट असाइन करना पड़ेगा। अगर सेम मिलता है तो दैट मीन्स कि हम राइट पाथ पर हैं। तो चलते हैं, तो ये रहा और हम VMnet 8 पे जाते हैं क्योंकि हमने VMnet 8 के साथ वेरीफाई करना है। एडवांस पे जाते हैं तो A581 हमें मिला है और यहाँ पे हमें क्या मिला, A577। दैट मीन्स कि हमने गलत इंटरफेस को सेलेक्ट कर दिया है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, वापस से अपने GUI के पास आएंगे और हम चलेंगे सीधा कहाँ पे, हमारे VLAN के पास, एंड देन हम इसको मॉडिफाई करेंगे। और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमें एक्चुअली 1.2 की ज़रूरत है, और इसको हम करेंगे अनटैग और ऐड, एंड देन हम इसको करेंगे अपडेट, राइट। और जैसे ही ये अपडेट हो जाए तो हम इसको दोबारा से फिर CLI पे फिर से हम मैक एड्रेस वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अपडेट हो गया, वापस से CLI पे आ जाएं और यहाँ पे आप हमें A577 की जगह करेक्ट वाला मिलना चाहिए। IP config और वापस से चलते हैं इंटरनल, और अभी क्या मैक एड्रेस हमें मिला, A581, और यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क एडाप्टर 3 यानी VMnet 8 के लिए था। तो दोनों हमारा अब वेरीफाई हो चुका है, यानी इसको अगर मैं छोटा कर दूँ थोड़ा सा और आप लोग देख सकें, ये रहा। ठीक है, तो मैचिंग मैचिंग हो गया, यानी दैट मीन्स कि अब हम एकदम राइट ट्रैक पे हैं, यानी हमारा जो इंटरनल इंटरफेस था वो VMnet 8 के साथ कनेक्टेड है और सही इंटरफेस को हमने IP असाइन किया हुआ है, राइट। अब हमें सेम काम करना है एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल के लिए हमें कुछ वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिंपली क्या करना है, VLAN क्रिएट करना है एक और नया, और वो एक्सटर्नल का होगा और उसको हम 1.1 असाइन करेंगे क्योंकि वो डैम श्योर आपका एक्सटर्नल ही होगा क्योंकि दो ही इंटरफेस हैं। ठीक है, नोट करेंगे एक्सटर्नल, एंड देन यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.12, तो हमारा इंटरनल था, और 1.1 जो है हमारा एक्सटर्नल। तो अनटैग एंड ऐड कर देंगे एंड बाकी सेम फिनिश हो गया। अगर आपको इसको भी वेरीफाई करना है तो अभी हम वेरीफाई करवा देंगे आपके लिए, टेंशन ना ले। फिलहाल हम सेल्फ IP पहले असाइन कर लेते हैं इसको, तो क्रिएट यहाँ पे नेम दे देंगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सेल्फ IP एंड नेट मास्क 255, पहले IP दे देते हैं। IP होगा 192.168.0.245, जो कि ये रहा आपका लैब के अकॉर्डिंग 192.168.0.245, राइट। तो सेम IP हमने असाइन किया, ठीक है, और VLAN ट्रंक हमारा एक्सटर्नल है। देखो अभी एक्सटर्नल भी आ गया आपका एडवांस में, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे VLAN क्रिएट करते हैं, नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और उसके बाद पोर्ट लॉकडाउन अलाउ ऑल कर देते हैं और बाकी सारा कुछ डिफॉल्ट एंड फिनिश। तो ये आपका जो सारा काम हो गया, ये हो गया बेसिक कनेक्टिविटी का, यानी आपने अपने FF लोड बैलेंसर को सेल्फ IP असाइन कर दिया और VLAN क्रिएट कर दिया। ये सारा काम अभी तक हमारा एक नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड था। अगर आपको एक्सटर्नल भी वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं सिमिलर वे में, और बाकी आप देख सकते हैं, राइट। फिलहाल के लिए मेरे को पता है, कंफर्म है ये इंटरनल का कंफर्म हो गया, मैनेजमेंट कंफर्म हो गया, तो बचा एक ही इंटरफेस जो कि हमने अपने VMware पे तीन ही क्रिएट किए हुए हैं, तो फाइनली वो एक्सटर्नल ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं लोकल ट्रैफिक पे। अब हमारा काम है लोड बैलेंसिंग को परफॉर्म करने का, तो लोकल ट्रैफिक पे आते हैं। आइदर आप पहले नोड क्रिएट कर लें या सिंपली पूल पे जाके वहां पे ऑप्शन आएगा आपका नोड क्रिएट करने का, वहां से आप नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको नोड एंड देन पूल एंड देन अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको क्या करना है, नोड क्रिएट करना है। तो नोड का पहला IP आपको देना है, यहाँ पे नोड का नेम भी आप दे सकते हो। तो जैसे मैंने दे दिया पहला हमारा वेब सर्वर 1, और उसका IP मैंने दे दिया है यहाँ पे 192.168.1 सॉरी 0.2 है हमारा। ठीक है, वेब सर्वर 2 का आई थिंक 2, ओके 2 वेब सर्वर 2। एंड बाकी हेल्थ मॉनिटर नोड डिफॉल्ट आप रहने दें, डिफॉल्ट जो भी हम असाइन करेंगे कौन सी सर्विस को हमें मॉनिटर करना है ये उसी को मॉनिटर करेगा। रेशियो और बाकी कनेक्शन लिमिट वगैरह इसको डिफॉल्ट रहने दें, ठीक है, फिनिश। उस सेम सिमिलर वे में अब हम वेब सर्वर 1 भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोनों नोड हमारे तैयार है, वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2। अभी क्या करना है, नोड हमारे तैयार हो गए, अब हमें आना है पूल पे, एंड देन पूल पे हम जाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास कोई भी पूल पहले से बना हुआ नहीं है, अब हम क्रिएट करेंगे पूल यहाँ पे। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया, पहले हम नोड क्रिएट करते हैं, नोड के बाद हमारा पूल आता है। पूल जो होता है हमारा वो नोड का एक कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है, राइट। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल सर्वर। तो फिलहाल हम पूल पे आ गए हैं, पूल पे हमने इसको नेम दे देना है, हम इसको दे देते हैं पूल,
पीएल पूल एचटीटीपी, हम एचटीटीपी की सर्विस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो मैंने नेम दे दिया पूल एचटीटीपी एंड नेटवर्क सील्ड। ओके, डिस्क्रिप्शन ऐसे ही रहने थे, या हम डाल सकते हैं यहाँ पे टेस्टिंग फॉर वेब सर्विस। ओके, वेब सर्विस लोड बैलेंसिंग, ठीक है। और यहाँ पे अब बात आती है कि आप किस सर्विस को मॉनिटर करना चाहते हैं। तो आपके पास ये मल्टीपल सर्विस हैं, इनमें से आप कौन सी सर्विस यहाँ पे मॉनिटर करना चाहते हैं। अगर आप HTTP करना चाहते हैं तो HTTP यहाँ पे सेलेक्ट करें। ओवरऑल अभी हमारे आज की लैब में जो है HTTP को मॉनिटर करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास किसी और TCP पोर्ट पे यहाँ पे सर्विस को मॉनिटर करना है, तो आप TCP सेलेक्ट करके वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल मैंने HTTP पे हमें लोड बैलेंसिंग को परफॉर्म करना है, तो मैंने HTTP सेलेक्ट कर लिया। लोड बैलेंसिंग मेथड मैंने आप लोगों को बहुत सारे मेथड जितने भी हैं मोस्टली आप लोगों को समझाए हुए हैं। तो फिलहाल एक बेसिक लैब है हमारी, यहाँ पे हम राउंड रॉबिन परफॉर्म करने जाएंगे, राइट। उसके बाद पीरियोडिक ग्रुप एक्टिवेशन, इसको आप डिसेबल ही रहने दें, डिफॉल्ट रहने दें। एंड बाकी न्यू मेंबर पे आकर आपको आप यहाँ पे नोड ऐड करने, अगर आप यहाँ पे पहले नोड ऐड नहीं करते तो आप यहाँ पे फिर न्यू नोड करते। फिलहाल के लिए हमने नोड को पहले से ही बना दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, नोड लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 1-to-1 नोड आते रहेंगे। ये मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हमने कौन सी सर्विस मॉनिटर करनी है इस नोड पे, HTTP ऐड कर दिया, और सिमिलर वे में वेब सर्वर 2 और सर्विस ऐड कर दिया। तो ये दोनों नोड मेरे यहाँ पे ऐड हो गए, राइट। एंड यहाँ पे मैंने IP 130 दिया हुआ है, तो आप माइंड ना करें इस चीज़ को कि सर ने यहाँ पे 1 क्यों नहीं दिया IP। IP आप सेम सबनेट में कुछ भी दे सकते हैं, /24 का सबनेट है, राइट। ओके, एंड फाइनली फिनिश। ओके, तो ये आपका फिनिश हो चुका है, और ये जो स्टेटस ग्रीन दिखा रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है कि आप एकदम पॉजिटिव रास्ते पे चल रहे हैं, आपका स्टेटस एकदम अप है। यानी अगर आप इस पे क्लिक करें तो आप स्टैटिस्टिक्स में जाएं, तो यहाँ पे आपको ये देखो आपके दोनों नोट आ गए। दैट मीन्स कि जो पोर्ट 80 की सर्विस है उसने मॉनिटर करना शुरू कर दिया, यानी जैसे ही आपने इसको पूल में ऐड करा उसने एक प्रॉप सिग्नल भेजा आपके वेब सर्वर के पास मॉनिटर करने के लिए कि पोर्ट 80 की सर्विस रन हो रही है या नहीं हो रही है। और उसको रिस्पॉन्स में मिला कि यस, आप पोर्ट 80 की सर्विस मेरे पे रन हो रही है, और दैट्स ऑल। तो अब बढ़ते हैं, हमने ये तो कर लिया, पूल हमने नोड क्रिएट किया, पूल मेंबर बना लिया। अब हमें क्या करना है, वर्चुअल सर्वर, यानी आप आउटसाइड से कोई भी हमें एक्सेस करना चाहे तो क्या हम उसको लोड बैलेंसिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो दैट मीन्स के लिए, तो इस चीज के लिए हमें वर्चुअल सर्वर पे चलना है। अभी फिलहाल के लिए कोई भी वर्चुअल सर्वर नहीं है, तो आपको सिंपली क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको नेम देना है वर्चुअल सर्वर। हम नेम दे देते हैं VS नेटवर्क सील दे देते हैं पहले। फिलहाल के लिए मैं नेटवर्क सील सेलेक्ट कर लूँ, और देन फिर हम देते हैं इसको नेम VS वर्चुअल सर्वर नेटवर्क एंड देन नेटवर्क सील, राइट। डिस्क्रिप्शन रहने देते हैं, सोर्स टाइप ये बोल रहा है होस्ट। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर IP से इसको एक्सेस देना है, यानी हो सकता है कि जब आप कंपनी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है आपके लोड बैलेंसर से पहले फायरवॉल हो, और आप चाहते हो कि जब भी आउटसाइड से कोई भी ट्रैफिक आए तो मेरे फायरवॉल पे हिट करें, एंड देन फायरवॉल पे आपने फिर एक पर्टिकुलर IP के साथ नेट किया हुआ है, और फिर वो नेट जो IP आपका सोर्स नेट है, वो सोर्स को लेके फिर आपके लोड बैलेंसर पे आ रहा है। तो उस केस में आप होस्ट की जगह यहाँ पे एक पर्टिकुलर IP आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप के पास कोई भी आगे कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जहां पे कि आप नेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली 0.0.0.0/0 दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आप सोर्स एनी रख रहे हैं, या अगर आप यहाँ पे एनी टाइप करेंगे तो वो काम नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर आपको एनी करना है, आप चाहते हो कि एनी ट्रैफिक यानी किसी भी ट्रैफिक को अलाउ करना है, तो आपको 0.0.0. आपको एक यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, राइट। ओके, डेस्टिनेशन की जगह आप क्या डालेंगे, आप यहाँ पे आपके वर्चुअल पूल का IP, यानी लैब के अकॉर्डिंग क्या है आपका वर्चुअल IP 172.168.0.200। तो आप यहाँ पे क्या देंगे, 172.168.0.200। अभी आप नीचे परसेंटाइल 1 वगैरह देख रहे होंगे, तो इसकी टेंशन ना लें, ये आने वाली लैब पे होपफुली मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा आगे कौन सी लैब आएगी। ओके, सर्विस पोर्ट हमने क्या करना है, पोर्ट 80 को ही हमने मॉनिटर करना है। अगर 443 आप करेंगे तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। पोर्ट 80 करना है। अगर आप 443 यानी HTTPS की सर्विस को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर HTTPS की फुल फॉर्म पे आप ध्यान दें तो क्या आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देन S का मतलब होता है SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। उसके लिए फिर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहाँ पे HTTPS सर्विस को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मेरी तरह HTTP सर्विस को
मॉनिटर करके उस पर लोड बैलेंसिंग की लैब को आप परफॉर्म करें, राइट। तो फिलहाल अगर आपके पास HTTPS की सर्विस नहीं है तो SSL प्रोफाइल सर्वर क्लाइंट, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन आप एज डिफॉल्ट रहने दें। और डायरेक्टली अब हमको कहाँ पे आना है, लास्ट पे आना है, जहाँ पे कि आपको मिलेगा डिफॉल्ट पूल। डिफॉल्ट पूल अभी आपका नन है, लेकिन अभी हमने एक पूल बना दिया है, तो अब हम सेलेक्ट करेंगे अपना पूल पूल HTTP नेटवर्क सील्ड को। बाकी सारा कुछ डिफॉल्ट रहने दें, और ये थ्योरेटिकल पार्ट मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, तो फिलहाल इसको डिफॉल्ट रहने दें पूल, सॉरी। तो बाकी जो टर्म है बाकी के उनको डिफॉल्ट रहने दें, एंड इसको कर दें फिनिश। और यहीं पे आपकी लैब हो गई कंप्लीट, और अब आपको करनी ओनली सिंपली टेस्टिंग। तो ये रहा वर्चुअल सर्वर नेटवर्क सील्ड, यानी आपका वर्चुअल सर्वर अब दिखा रहा है। अगर आप इसके स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये रहा व्यू पे जाएं। अभी के लिए यहाँ पे कोई ट्रैफिक शायद ही आएगा, अभी सारा कुछ देखो आप 0-0 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अपने एक्सटर्नल PC पे जाना है, और हमारे वर्चुअल IP पे हमको हिट परफॉर्म करना है, यानी जो लैब के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्चुअल IP 172.168.0.200, इस पे अब हम हिट परफॉर्म करेंगे, यानी इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और लोड बैलेंसिंग को देखेंगे, राइट। तो आ जाते हैं एक्सटर्नल PC के पास। ये रहा एक्सटर्नल PC, यहाँ पे हम जाते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पे अब हम परफॉर्म टाइप करेंगे HTTP, एंड जो हमारा वर्चुअल सर्वर का IP है वो 172.168.0.200, एंड मैंने हिट इनिशिएट किया यहाँ पे, और वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रैफिक गया है वो गया है वेब सर्वर 2 के पास, यानी हमारे लोड बैलेंसर तक कनेक्टिविटी है। इसको हम लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना नहीं कह सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये अभी एक ही सर्वर के पास गया। अब हमें चेक करना है कि दूसरे सर्वर पे जाता है या नहीं जाता ट्रैफिक, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस IP को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करते हैं, और हम चलते हैं प्राइवेट मोड पे। ये आपका प्राइवेट मोड है, यानी अगर मैं जितने बार यहाँ पे हिट अभी परफॉर्म करूंगा, ये बार बार मेरे को एक ही सर्वर के पास लेके जाएगा, क्योंकि कनेक्शन टेबल वहां पे बन चुका है, यानी FF लोड बैलेंसर पे आप कनेक्शन टेबल बन चुका है। यानी जब भी आप हिट ये सेम ब्राउजर के थ्रू, यानी जब भी एग्जिस्टिंग कनेक्शन से कोई भी हिट आएगा तो वो सेम सर्वर पे ही उसको फॉरवर्ड करेगा। अब हमें न्यू जो है कनेक्शन जनरेट करना है, तो मैं आऊंगा प्राइवेट ब्राउजर के पास, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करूंगा सेम IP, एंड एंटर। अब हम देखते हैं यहाँ कहाँ जाता है, और ये रहा पेज ओपन हो गया है आपके प्राइवेट ब्राउजर पे, और ये रहा वेब सर्वर 1। तो यानी आपका ट्रैफिक 1 पे भी जा रहा है और वेब सर्वर 2 पे भी जा रहा है। तो एक्सटर्नल PC से हमने ये दोनों टेस्टिंग देख ली और परफॉर्म कर ली, लोड बैलेंसिंग हमारी प्रॉपर हो रही है। तो वापस चलते हैं अपने GUI के पास, और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। हम नेटवर्क मैप पे जाते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे नेटवर्क मैप पे आप मॉनिटर कर सकते हैं आपके कौन कौन से नोड पे कौन कौन सी सर्विस इनेबल है, और पूल मेंबर या वर्चुअल सर्वर जो भी आपका वो अप है या डाउन है। अगर आपका कोई भी एक नोड डाउन जाता है तो यहाँ पे फिर वो रेड कलर का आ जाता है, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि अच्छा जी हमारे पूल मेंबर में, यानी पूल में हमारे 2 मेंबर थे, जिसमें से कि हमारा जो प्राइमरी मेंबर है वो डाउन है या सेकेंडरी या जो भी नेम है, वेब सर्वर 1 डाउन है या 2 डाउन है, इस तरीके से आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये नया फीचर ऐड हुआ है आपके FI पे, जहाँ पे कि ये आपको डिफरेंट पॉपअप ब्राउजर पे लेके जाता है, और यहाँ पे फिर आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एडवांस में आप देख सकते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज की बेसिक लैब थी हमारी लोड बैलेंसिंग पे, जो कि हमने आज परफॉर्म कर लिया और देख भी लिया, और 1-to-1 मैंने आप लोगों को दिखाया कि बेसिक से कैसे आपको इंटरफेस वेरीफाई करने है, कहाँ पे आपको VLAN असाइन करना है। तो गाइस आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये लैब हमारी पसंद आई होगी, और कहीं पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो यार आप कमेंट करें और पोस्ट करें अपने मैसेज को फेसबुक पे, जैसे भी आपको कनेक्ट होने में अच्छा लगता है वैसे कनेक्ट हो हमसे और हमसे डिस्कस करें। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, होपफुली कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा आई रूल वगैरह पे, तो देखते हैं यार, ठीक है। मैं कोई गारंटी अभी नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे को 2-3 सीरीज और स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो FIP मैंने आप लोगों को इतनी नॉलेज तो दे दी है कि आप आगे खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। तो आई रूल वगैरह पे पाइथन वगैरह की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, तो वो सेम पाइथन लैंग्वेज हम AWS पे भी करेंगे, ठीक है। और जो FF लोड बैलेंसर की ये लैब मैंने अभी परफॉर्म करके दिखाई है, ये मैंने लोकली परफॉर्म करके दिखाई है, यानी अगर आपका खुद का इन हाउस डेटा सेंटर है, वहां पर अगर आपको लोड बैलेंसर डिप्लॉय करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने 1-to-1 स्टेप बता दिया, कहाँ पे आपको VLAN क्रिएट करना है, कहाँ पे आपको अनटैग करना है यानी एक्सेस पोर्ट असाइन करना है,
उसके अलावा अगर आपको क्लाउड पे लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करनी है तो मैं उसके लिए एक वीडियो दोबारा से अपलोड कर दूंगा। आप मेरे को कमेंट करना अगर वाकई आप लोगों को देखना है कि क्लाउड पे किस तरीके से F5 लोड बैलेंसर को डिप्लॉय किया जाता है, तो मैं वीडियो बना दूंगा। राइट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।